हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे आधुनिक राज्य के रक्षा तंत्र यानी कि द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द मॉडर्न स्टेट के अंतर्गत विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में स्थिति उसके विदेश नीति द्वारा निर्धारित होती है। विदेश नीति के तहत वे सभी दृष्टिकोण और कार्य शामिल हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों के प्रति करता है। प्रत्येक सरकार को अन्य राज्यों की सरकारों की नज़र से एक खास नीति रीति से व्यवहार करना पड़ता है। मोटे तौर पर इस व्यवहार का अध्ययन ही विदेश नीति है। विदेश नीति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का प्रयास करता है। वैसे तो किसी राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति प्रदर्शित व्यवहार का अध्ययन ही विदेश नीति है, परंतु जॉर्ज मॉडेल्सकी ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया हो। फेलिक्स क्रॉस तो यहाँ तक मानते हैं कि किसी राज्य के साथ कोई भी संबंध न रखने का निर्णय भी एक प्रकार की विदेश नीति है। इस प्रकार विदेश नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं। जब विदेश नीति का उद्देश्य अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसे समायोजित करना होता है तो वह सकारात्मक होती है, और जब ऐसा समायोजन यह उस व्यवहार में परिवर्तन न होने देकर करना चाहती है तो विदेश नीति नकारात्मक होती है। श्लाइचर के अनुसार विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। वहीं रोडी तथा क्रिस्टल के शब्दों में विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्धन हेतु दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के अनुसार विदेश नीति एक जटिल और गतिशील राजनीतिक मार्ग है जिस पर कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के प्रसंग में चलता है। इस प्रकार विदेश नीति के अध्ययन के अंतर्गत निम्नांकित चीज़ें आती हैं। पहला, नीति निर्माण। दूसरा, हित और उद्देश्य। तीसरा, विदेश नीति के सिद्धांत। और चौथा, विदेश नीति के साधन। अतः अब हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। राष्ट्रीय हित की विचारधारा से निर्धारित विदेशी संबंधों में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाया गया सुविचारित कार्यक्रम ही विदेश नीति है। विदेश नीति और गृह नीति। वास्तव में गृह नीति और विदेश नीति का संबंध एक सिक्के के दो पहलुओं की भांति होता है, परंतु गृह नीति की अपेक्षा विदेश नीति को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इसकी सफलता असफलता अथवा बुद्धिमत्ता के साथ निर्धारण एवं संचालन पर देश की प्रतिष्ठा, गौरव, सुख संपदा तथा अस्तित्व तक निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बिस्मार्क ने अपने कुशल विदेश नीति संचालन के बल पर जर्मन एकीकरण का सपना साकार कर दिया तथा उसे उत्कर्ष एवं प्रतिष्ठा के शीर्ष बिंदु पर पहुंचा दिया। लेकिन कैसर विलियम सेकंड तथा उसके सलाहकारों की गलत नीतियों ने देश को अवांछित युद्ध में झोंक दिया। इसी तरह इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की गलत नीतियों के कारण ही खाड़ी युद्ध में बहुराष्ट्रीय सेनाओं को अमेरिकी नेतृत्व में लड़ना पड़ा, जिससे इराक की सैन्य शक्ति एवं आर्थिक स्थिति लड़खड़ा उठी। ऐसे ही विदेश नीति का रक्षा बजट से घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन रक्षा बजट सामान्य नागरिकों के जन जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता। इसीलिए गृह नीति के निर्धारकों एवं संचालकों को रक्षा बजट के बाद शेष बजट पर ही निर्भर रहना पड़ता है।